नागपुर मैन सेलिंग 10 रुपीज राजमा चावल बिरयानी। नागपुर में छोटू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बिना कोई काम के गांव में आवारागर्दी करता रहता था। उसका दोस्त राजमा चावल बेचा करता था। उसका बिरयानी बहुत स्वादिष्ट था तो लोग खाने के लिए वहां आते थे। एक दिन छोटू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपने दोस्त बद्री के साथ बैठकर दारू पी रहा था। वहां सोनू आ पहुंचा। सोनू छोटू से, यार छोटू तू इस तरह शराब पीकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है और तू इस बद्री के संगत को छोड़ दे। तू जानता है ना कितना बड़ा कमीना है ये। जानते हो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं। तब बद्री, अरे जानते हैं छोटू के पिताजी जब तुम्हारे दुकान पर आए तो तूने मेरे खिलाफ उनके कान भरे थे, तब जानता हूँ। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तब छोटू, अरे यार तू हमारी दोस्ती पे शक कर रहा है, तू गलत समझ रहा है यार तू इस जिंदगी का जो मजा है वो तू नहीं समझ पा रहा। अरे यार तू क्या जाने ये दारू में जो मजा है, क्या मजा यार। बस मैं और बद्री इसी मजे को खोजने में लगे हुए हैं यार। हाँ यार, तू भी हमारे साथ जुड़ जा। तब सुनू, अच्छा क्या है वो मजा? भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ। भाई जिंदगी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दारू पीते रहो। तब छोटू, यार मैं दारू की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जिंदगी की बात कर रहा हूँ। अरे जिंदगी का मजा ही कुछ और है, उसे एंजॉय कर एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊँ, अब तू दुकान में बिरयानी बेचता है 70 रुपए में, अब अगर तू वही बिरयानी 10 रुपए में बेचेगा तो लोग खरीदते वक्त उनके आंखों में जो चमक दिखाई देगी ना, बस उसी में मजा है यार। अगर तू उनके आंखों में देखेगा वो खुशी तो बस उसमें जो मजा है क्या कहने यार। तब सुनू, अच्छा चलो कल तुम दोनों आ जाना, मैं कल बिरयानी 10 रुपए में बेचूंगा और हम तीनों मिलकर उस मजा को देखेंगे उनकी आंखों की चमक में, क्यों ठीक है ना? कहकर वहां से चला गया। अगले दिन छोटू और बद्री मिलकर सोनू के दुकान पर गए। तब सोनू, आओ भाई आओ, राजमा चावल बिरयानी केवल 10 रुपए में, देर ना करना, सोचना मत, सीधे आ जाओ, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। ये बात सुनकर लोग दूर दूर से आने लगे। लोग उस बिरयानी को खाने लगे। लोगों को देखकर सोनू छोटू और बद्री से, क्यों भाई मुझे तो इन लोगों की आंखों में वो चमक दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? ऊपर से हर प्लेट में मुझे 60 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो अलग। तब बद्री लोगों से, हेलो फ्रेंड्स, आज अप्रैल महीने की 1 तारीख है और अप्रैल फूल्स डे के अवसर पर आप सब गांव के फूल्स को अप्रैल फूल बनाया। आज मैं जान गया हूँ कि इस गांव में सारे फूल हैं। अब आप ही बताओ 10 रुपए में भला कोई बिरयानी खिलाता है क्या? 10 रुपए कहा तो बस ठूस ठूस के खा रहे हो हैं? हमारे सोनू ने तुम लोगों को फूल बना दिया, अप्रैल फूल। अब सब बाकी के 60 रुपए भरो और यहाँ से चलते बनो, अभी तुम लोगों के बाद और बहुत सारे फूल आएंगे। तब लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सोनू को पकड़ा और उसे खूब मारा और वहाँ से चले गए। तब सोनू, हाय रे बाप रे, हाय मेरी कमर, अरे कमीनो नालायको, तुम लोगों ने ये क्या किया, मुझे यूं लोगों से पिटवा दिया, कहकर यूं दुखी हो रहा था। तभी बद्री वहां आया और कहने लगा, यार मैं तुम्हें एक सलाह एकदम मुफ्त में देता हूँ, हम जैसे लोग कीचड़ में पड़े कुत्ते की तरह हैं, तुम उसे बाहर निकाल कर साफ करने की कोशिश करोगे तो उसकी बदबू तुम्हें भी लगेगी, देखा इस तरह, हमें ना छेड़ना, बेचारा बहुत मार खाया ना, अगर फिर कभी तुम्हें यूं मार खाने का शौक हो तो हमें बुला लेना, बाय बाय, कहकर चले गए। उनको देखकर सोनू अपने आप को कोसने लगा, फिर उनसे कभी पंगा नहीं लिया। कूल ड्रिंक चैलेंज। मदन और मोहन नाम के दो ठग कूल ड्रिंक्स के बक्से के साथ एक गांव में आए। उन्होंने उस कूल ड्रिंक्स बोतल से भरे बक्से को गांव के चौपाल में एक टेबल के ऊपर रखा। आओ भाई आओ, आओ और हमारे कूल ड्रिंक्स के चैलेंज में भाग लो, हम इन सब का वीडियो बनाएंगे और YouTube में डालेंगे, लेकिन आपको ये मुफ्त में करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुकाबले में भाग लेने वाले
हर व्यक्ति को हम 500 रुपए देंगे और जो ये मुकाबला जीतेगा उसे एडिटिंग करके एकदम शानदार हीरो की तरह हम दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को सज धज कर आना होगा। बस ये सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया। एक पति पत्नी की जोड़ी अपने बदन को गहनों से लादकर वहाँ आकर खड़े हो गए। उनका नाम था राजा और रानी। दोनों मुकाबला करते हुए स्ट्रॉ से ड्रिंक्स पी रहे थे। अरे जल्दी करो भाई, वक्त निकला जा रहा है। मोहन अपने सेलफोन में इसका वीडियो निकाल रहा था। आखिरकार उस चैलेंज में रानी की जीत हुई। देखा, आखिरकार इस कोल्ड ड्रिंक के चैलेंज में भी आप मुझसे जीत नहीं पाए। अब जिंदगी भर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब से आप मेरे सामने गहने नहीं पहनेंगे, समझे? ये सुनकर राजा ने सिर झुका लिया। यूं राजा रानी पैदल चलते हुए घर पहुंचे। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही दोनों बेहोश होकर गिर गए। मदन और मोहन जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने उनके बदन से सारे गहने चुरा लिए। थोड़ी देर बाद जब दोनों को होश आया, वो सिर पीट कर रह गए। इस तरह मदन और मोहन कई गांव में घूमकर यूं कूल ड्रिंक्स चैलेंज कराते थे, और जब वो भाग लेने वाले कहीं बेहोश होकर गिर जाते तो उनके बदन से गहने चुरा कर वहाँ से फरार हो जाते। एक दिन मदन और मोहन चंपापेट नाम के गांव पहुँचे और वहाँ पर भी अपना कूल ड्रिंक्स चैलेंज का सेटअप रखा। उन्होंने उस बक्से में से कुछ कूल ड्रिंक्स निकाले और मेज के ऊपर रखा। उसमें उन्होंने बेहोशी की दवाई मिलाई। तभी वहाँ पर जैकी और लकी नाम के दो बच्चे आए। अंकल पुलिस पुलिस कहकर चिल्लाया। मदन और मोहन घबरा गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। तब जैकी और लकी ने मेज के ऊपर रखे कूल ड्रिंक्स को बक्से के अंदर रखे कूल ड्रिंक से बदल दिया। तभी वो दोनों लौटे। अरे कहाँ है पुलिस? आसपास तो कोई है नहीं। ये तो मजाक करता रहता है अंकल जी, हमारे घर में कोई नहीं है तो हमने सोचा चोर पुलिस का खेल खेलेंगे, और प्यास लगी थी तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने आ गए। ये अब तक उसी मूड में था अंकल। वो तो ठीक है अंकल जी, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि पुलिस पुलिस कहते ही अब दोनों यूं भागे क्यों? कहीं आप चोर तो नहीं है ना? ओ बेटा, हम जानते हैं कि तुम लोग मजाक कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ हम भी मजाक करें, इसीलिए हम भागे। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम लोग कूल ड्रिंक्स पीने बाहर आए। देखने से लगता है कि तुम दोनों बहुत धनवान बच्चे हो। वैसे भी तुम कूल ड्रिंक्स पियोगे ना, तो तुम दोनों ये कूल ड्रिंक्स चैलेंज में भाग क्यों नहीं लेते? तुम दोनों को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा तुम्हें पैसे मिलेंगे। हाँ भैया, ये ड्रिंक्स का आइडिया तो बहुत बढ़िया है, जल्दी से हम इन्हें पी लेते हैं फिर घर जाते हैं, और वैसे भी खेलने के चक्कर में हम घर का ताला लगाना भूल गए। यूं दोनों उस कूल ड्रिंक चैलेंज में भाग लेने लगे। दोनों अपने मुंह में बहुत सारे स्ट्रॉ रखकर वहाँ रखे बोतलों में से कूल ड्रिंक्स पीने लगे। मदन और मोहन ये देखकर बड़े खुश हो रहे थे। थोड़ी ही देर में जैकी ने अपने सारे बोतल खाली कर दिए। यस, अब जीत मेरी हुई। ठीक है भैया, पैसे ले लो, घर चलते हैं। तब मदन ने उन्हें पैसे दिए। जैकी और लक्की पैदल जाने लगे तो मदन और मोहन उन दोनों का पीछा करने लगे। तब जैकी और लक्की एक बहुत बड़े घर के सामने जाकर बेहोश होने का नाटक करते हुए गिर गए। तब मदन और मोहन उस घर में गए। घर के अंदर राजा और रानी डंडे लेकर खड़े थे। उन्हें देखकर मदन और मोहन दंग रह गए। आप इस गांव में? ये हमारा गांव है। उस दिन हम अपने रिश्तेदार के घर गए थे और उस गांव में हम ठगे गए। थोड़ी देर पहले हमारे बच्चों ने तुम्हें देखा और हमें फोन करके बताया। अगर हम तुम दोनों को सीधा पुलिस के हवाले करते तो तुम दोनों को पीटने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हमने ऐसा प्लान किया है। अरे भगवान, अपनी दिल की भड़ास पूरी कर लो। यूं दोनों ने मिलकर मदन और मोहन को खूब पीटा। तभी जैकी और लकी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे। यूं मदन और मोहन जेल चले गए। राजा और रानी को उनके गहने वापस मिले।